गर्मी आते ही दो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आने लगती है, हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड लॉन्ग टाइम पावर कट की प्रॉब्लम। लोग तरह तरह के सोल्यूशन ढूंढने लगते हैं, कौन सा सोलर सिस्टम उनके घर के लिए उपयोगी होगा, आज इसी के बारे में हम जानेंगे। इसके पहले हम जानेंगे सोलर सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार के सोलर सिस्टम मार्केट में अवेलेबल है, सोलर सिस्टम लगाने पर सब्सिडी सरकार कितना देती है और कैसे ये लगेगा और इसकी प्राइसिंग क्या होगा, ये सब सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले हम जानते हैं सोलर सिस्टम क्या है। सोलर सिस्टम एक नया टर्म है जिसका मतलब है सोलर पैनल, इन्वर्टर, बैटरी, बैलेंसिंग ऑफ सिस्टम मिला के जो सिस्टम बनता है उसको हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम मार्केट में कितने प्रकार के अवेलेबल है और कौन सा सोलर सिस्टम आपके लिए उपयोगी होगा। तो सोलर सिस्टम कई प्रकार के मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि बैटरी वाला सोलर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। यह सोलर सिस्टम डिफरेंट टेक्नोलॉजी में आता है, PWM बेस्ड सोलर सिस्टम और MPPT बेस्ड सोलर सिस्टम। PWM बेस्ड ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, यदि आप 1 किलोवाट से नीचे का सोलर सिस्टम लेते हैं तो सारे इन्वर्टर इसमें जो आते हैं वो PWM बेस्ड अवेलेबल होते हैं। यदि आप बात करते हैं 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक के ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, तो ये सब सोलर सिस्टम में जो इन्वर्टर आते हैं वो MPPT बेस्ड इन्वर्टर आता है। MPPT बेस्ड इन्वर्टर का मेन बेनिफिट्स ये होता है कि यदि आप दिन के टाइम में सोलर सिस्टम अपने घर में लगाए हुए हैं और आपका बैटरी सपोज फुल चार्ज 12 बजे हो जाता है, तो 12 बजे से लेकर 6 बजे तक की जो सनलाइट है उससे आप डायरेक्टली घर के लोड पंखा, टीवी, लाइट, कूलर चला सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के सोलर सिस्टम जो होता है ऑन ग्रिड विदाउट बैटरी वाला सोलर सिस्टम। इसका खास पर्पस ये होता है कि बिजली का बिल कम करना। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम भी डिफरेंट टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर के साथ आता है। इसमें जो पॉपुलर टेक्नोलॉजी है वो स्ट्रिंग इन्वर्टर है, दूसरा माइक्रो इन्वर्टर है और तीसरा हाइब्रिड इन्वर्टर है। स्ट्रिंग इन्वर्टर वैसा इन्वर्टर जिसमें एक इन्वर्टर होता है और मल्टीपल सोलर पैनल लगे हुए होते हैं। उसी का दूसरा टेक्नोलॉजी है माइक्रो इन्वर्टर। माइक्रो इन्वर्टर का मतलब ये है कि हर सोलर पैनल के साथ एक माइक्रो इन्वर्टर लगा हुआ होता है जिससे किसी भी टाइप की डिपेंडेंसी सिस्टम कॉम्पेबिलिटी की इशू नहीं आता है। यदि हम एक सोलर पैनल लगाए हैं तो उसके साथ एक माइक्रो इन्वर्टर आएगा। यदि हम फ्यूचर में चाहते हैं कि अपने जरूरत के अकॉर्डिंग उसको एक्सटेंड करना, हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग इन्वर्टर में ऐसा नहीं होता है। तीसरी टेक्नोलॉजी हाइब्रिड इन्वर्टर। हाइब्रिड इन्वर्टर ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों सोलर सिस्टम जैसा काम करता है। आज के टाइम में हाइब्रिड इन्वर्टर इतना पॉपुलर नहीं है जितना स्ट्रिंग इन्वर्टर और माइक्रो इन्वर्टर। सोलर सिस्टम की तीसरी कैटेगरी होती है वैसे होम ओनर जिनके पास पहले से 1 साल 2 साल 3 साल पहले इन्वर्टर बैटरी खरीदे हैं, लेकिन वो नहीं चाहते हैं अपने घर में इन्वर्टर बैटरी को चेंज करना, तो उनके लिए भी सोलर सिस्टम अवेलेबल है। उनको अपग्रेड योर सोलर सिस्टम कैटेगरी में रखा गया है कि आप पुराने इन्वर्टर बैटरी को सोलर पर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको सोलर पैनल और चार्ज कंट्रोलर लगाना पड़ेगा। सोलर सिस्टम की चौथी कैटेगरी वैसे कंज्यूमर जो डायरेक्ट सोलर पैनल से अपने अप्लायंसेस चलाना चाहते हैं, जैसे वाटर पंप और आटा चक्की। इस सोलर सिस्टम में सोलर पैनल और VFD दो मेजर कंपोनेंट होते हैं। ये दोनों कंपोनेंट लगा के आटा चक्की और वाटर पंप आसानी से चल जाता है। सबसे लास्ट सोलर सिस्टम की जो कैटेगरी आती है वैसे कंज्यूमर जो आज भी इमरजेंसी लाइट से काम चला रहे हैं, वो चाहते हैं अपने आप को अपग्रेड करना, तो उनके लिए लाया गया है होम लाइटिंग सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि कौन सा सोलर सिस्टम लगाने पर सरकार सब्सिडी देगी। जनवरी 2021 में MNRE ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि घरों पर सोलर सिस्टम लगाने पर सरकार उनको 3 किलोवाट तक 40% और 4 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक सोलर सिस्टम लगाने पर 20% की सब्सिडी उनको देगी। अब हम बात करते हैं कि ये सब्सिडी आपको मिलेगा कहां से। यदि आप तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल इन सभी राज्यों से हैं तो इनके अपने एक डिस्कॉम का वेबसाइट होता है जहां पर अप्रूव्ड वेंडर का लिस्ट जारी किया जाता है। किनको सब्सिडी मिलेगा ये जानना आपको और जरूरी है। सरकार ने सब्सिडी सिर्फ और सिर्फ घरों पर सोलर लगाने पर सब्सिडी जारी किया है। यदि आप हॉस्पिटल,
स्कूल, पेट्रोल पंप, ऑफिसेस में सोलर लगाना चाहते हैं तो इस पर कोई सब्सिडी नहीं है। इंडिया में सोलर सब्सिडी सिर्फ और सिर्फ ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम लगाने पर मिलता है, लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर बैटरी वाला सोलर सिस्टम लगाने पर भी सरकार सब्सिडी दे रही है। छत्तीसगढ़ के रिन्यूअल एजेंसी क्रेडा ने सब्सिडी के कुछ डिमेरिट को देखते हुए एक मार्केट मोड सर्विस इनेबल किया है। मार्केट मोड का मतलब ये है कस्टमर खुद से अपना प्रोडक्ट की चयन कर सकता है और इससे नए सोलर इंटरप्रेन्योर को काम करने का मौका मिलता है। यदि आप छत्तीसगढ़ के हैं और इस सब्सिडी का फायदा उठाना चाहते हैं और इसकी पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप रजिस्टर्ड वेंडर से उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आपके घर के लिए सबसे बढ़िया सोलर सिस्टम कौन सा है। यदि आपका बिजली का बिल एसी चलाने से 1000, 3000, 5000, 10000 आ रहा है और आप चाहते हैं कि आपका बिजली का बिल कम हो, इस केस में आपके लिए ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम सबसे बेस्ट है। यदि आप ऐसे एरिया से हैं जहां पर गर्मी आते ही पावर कट की प्रॉब्लम होती है तो वहां पर आप बैटरी बैकअप सोलर सिस्टम लगा सकते हैं, जिससे आपको लाइट आने और जाने से कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। जब आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाने की बात करते हैं तो एक नया टर्म निकल के आता है, नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग क्या होता है? नेट मीटरिंग आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है सेम मीटर होता है। आपके घर में जो आज के टाइम में जो मीटर है वो सिर्फ इम्पोर्ट का फैसिलिटी उसमें है, कि मतलब ग्रिड से जो बिजली आप यूज कर रहे हैं उसका रिकॉर्डिंग रखता है। लेकिन जब आपके घर में नेट मीटर लग जाएगा तो आपके घर में सोलर कितना बिजली बनाया, ग्रिड से आप कितना बिजली लिए, दोनों को माइनस करके एक एग्जैक्ट अमाउंट बनता है जिसका बिजली बिल आपको बिजली डिपार्टमेंट को पे करना रहता है। इसको समझने के लिए स्क्रीन पर एक नेट मीटर लगे हुए सोलर सिस्टम का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जहां पर हाईलाइट किया जा रहा है कि सोलर से आप कितना बिजली बनाए, ग्रिड से कितना बिजली बना और आपका पीक आवर इलेक्ट्रिसिटी कितना यूज कर रहे हैं और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो महीने में कितना आया है वो हाईलाइट स्क्रीन पर किया हुआ है। ये बेनिफिट सोलर सिस्टम और नेट मीटर का है, बट ये आपके घर में कैसे लगेगा ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे आप अपने पासपोर्ट बनवाते हैं वैसे ही नेट मीटर बनवाने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट है, वहां पर जाके आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना रहता है और अप्लाई करना रहता है। यदि आप घर, स्कूल, फैक्ट्री, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप इन सभी पर सोलर लगाना चाहते हैं और आप इंडिया में हैं या इंडिया से बाहर यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इन सभी देशों में हैं, आप वहां से लूम सोलर के वेबसाइट पर आके इंजीनियर विजिट और पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।